हाय फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। देसी विदेशी पकवान। आज हम बनाएंगे नुनुए की सब्जी, वो भी बिल्कुल सिंपल रेसिपी में, सिंपल तरीके से कुछ ही मिनटों में। गाइस देखिए, मैंने 1 किलो नुनुआ लिया है और इसको धो के छील के और इसको महीन महीन बारीक काट लिया है, क्योंकि ये सिंपल सब्जी है, सादी सब्जी है। चलिए अब बनाते हैं। देखिए मैंने एक कढ़ाई ली है और इसे मैंने चूल्हे पे रख लिया है, गर्म हो गई है। इसमें हम डालेंगे आधा कटोरा तेल। तेल आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, अगर कम चाहिए तो कम रख सकते हैं, लेकिन मैंने आधा कटोरा लिया है। आधा कटोरे से भी देखिए कम है इसका मार्जिन। इसको हम डाल देंगे। नुनुए की सादी सब्जी में तेल ज्यादा नहीं चाहिए होता है। हमारा जो तेल है वो गर्म हो गया है। अब मैंने जो प्याज ली है, मैंने 3 प्याज ली थी, 3 बड़े साइज की, मीडियम साइज की प्याज ली थी। इसको मैंने छील के धुल के काट ली है। अब इसको हम डालेंगे तेल में, क्योंकि हमारा तेल गर्म हो गया है। अब इसको हम पकाएंगे, सुबह छोड़ देंगे पकने के लिए। 3 हरी मिर्च ली है, अब इसको हम बीच से काट लेंगे। हरी मिर्च से सब्जी बहुत अच्छी बनती है, तो अब इसको हम बीच से ऐसे काट लेंगे और डालेंगे प्याज में। देखिए जो हमारी प्याज है वो आधी पक चुकी है, अब इसी बीच में हम ये जो मिर्चा मैंने काटा है इसको डाल देंगे, कि ये भी अच्छे से पक जाए पूरे में। अब इसको पूरा गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे, पूरा प्याज। देखिए हमारी जो प्याज है वो पकने लगी है, अब और सुनहरी हो जाएगी। अभी हम नेनुआ नहीं डालेंगे, और सुनहरी हो जाएगी तो हम डालेंगे। अब इसको हम पकाते रहेंगे। देखिए जो हमारी प्याज है वो पूरी तरह पक चुकी है और सुनहरा रंग की हो गई है, ब्राउन हो गई है। अब इसमें हम जो नेनुआ है इसको डालेंगे, धीरे धीरे डालेंगे और फटाफट चलाएंगे, क्योंकि प्याज नीचे से लगे ना, आज तेज है ना इसलिए। अब इसको हम चला लेंगे और फिर उसके बाद इसमें हम डालेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। नमक आप अपने अनुसार रखिएगा, जितना आपको चाहिए। उसके बाद बुका मिर्च, मिर्च पाउडर कमी डालेंगे, क्योंकि 3 हरी मिर्च डाली है। अब इसको हम चला लेंगे अच्छे से। हमने इसको अच्छे से चला लिया है। इसको हम धीमी आंच पे कुछ देर ढक के रख देंगे, चूल्हे पे धीमी आंच करके रख देंगे, मतलब पकने देंगे, जिससे जो नेनुआ है वो गल जाएगा। अब इसको हम खोल के देखेंगे ये पक गया है कि नहीं। देखिए पानी छोड़ा है, नेनुआ गल चुका है। अब इसको हम तेज आंच पे भून लेंगे और पानी को सुखा देंगे। कितना अच्छा कलर आया है देखिए। अब इसको ऐसे ही कुछ देर तक भूनेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसका पानी जो है सूख गया है। अब इसको थोड़ा हम और भूनेंगे, क्योंकि जो तेल जब छोड़ता है तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आपको ऐसे ही चाहिए तो भी, हमारी जो सब्जी है वो बहुत हद तक पक चुकी है, थोड़ा देर और पकाने के बाद आप उतार लीजिएगा। लेकिन अभी हम इसे थोड़ा और भूनेंगे और उसके बाद उतारेंगे, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये तीखी सब्जी है, क्योंकि मैंने 3 मिर्ची दी थी तो थोड़ा इसका तीखापन ज्यादा रहेगा। मिर्ची आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, भूनते भूनते इसका तेल छूटने लगा है, तेल देखिए छूट के किनारे आ रहा है। अभी सब्जी इसका देखिए टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आपको इतना भुना हुआ नहीं चाहिए तो आप इसे पहले भी उतार सकते हैं, लेकिन अब इसका टेस्ट ज्यादा अच्छा होता है। अब हम क्या करेंगे, चूल्हे को बंद कर देंगे, क्योंकि हमारी सब्जी तैयार हो गई है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी सब्जी तैयार हो गई है। बनाइए, खाइए, सिंपल सब्जी है नेनुए की, या तरुई आप जो भी कहते हैं उसको, और तीखी सब्जी है, चटपटेदार है। बनाइए, खाइए, बताइए कैसी बनी है। लाइक करें मेरे वीडियो को, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मेरे चैनल को। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।